जोड़ा। अब उनसे पूछो कि बता दो तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है, तो बोलते बाद में बताएंगे। अरे धनु है कि पन्ना है, कल्लू है कि मन्ना है, लल्ला है कि जुम्मन है, कोई बताओ तो। बोले बाद में बारी बारी से एक एक साल रह लेंगे कोई भी रह लेगा। आप बताओ ऐसी कांग्रेस को वोट देने का फायदा क्या है जिसके प्रधानमंत्री का ही ठिकाना नहीं। अरे मटका भी अगर खरीद रहे गर्मी में जाते हो तो देखते हो कि अच्छा है कि नहीं, ठोक के टन टन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। अगर फूटा मटका होता तो कोई खरीदता है क्या? कोई नहीं खरीदता। और इसलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री अगर बनाना है तो केवल नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री बनाना है। तीसरी चीज जो लड़ रहे हैं वो कौन है? कांग्रेस में जो उम्मीदवार है वो 10 साल पहले मुख्यमंत्री रहे, बताओ रहे कि नहीं रखे, रहे कि नहीं? अच्छा जब वो मुख्यमंत्री थे तो रोडें कैसी थी मध्य प्रदेश की? अरे कैसी थी बताओ कि नहीं? रोडें थी कहीं? पानी था कहीं? बिजली थी कहीं? क्या था? स्कूल कहीं पेड़ों के नीचे लगते थे? कहते हैं उनका नाम श्रीमान बंटा ढार, क्योंकि पूरे प्रदेश का उनने कबाड़ा कर दिया था, पूरे प्रदेश को उन्हें तबाह कर दिया था। अब मुझे बताओ ईमानदारी से, 10 साल मुख्यमंत्री रह के जिसने कभी हमारा भला नहीं किया, एक सड़क नहीं बनाई, ढंग से बिजली नहीं दी, कभी पानी नहीं दिया, आज बताओ सांसद बन के वो कुछ करेंगे क्या? सांसद बन के कुछ करेंगे क्या? उनके बस का कुछ है नहीं, क्योंकि उनके दिल में जनता के लिए प्यार है ही नहीं। नहीं तो 10 साल में करते। अरे मामा को भी तुमने मुख्यमंत्री बनाया था, कितनी योजनाएं बना के दे दी किसान भाइयों, 6,000 पीएम साहब ने दिए तो मैंने भी काम मच्छू के चौहान छे तू भी दे, 12,000 रुपया हर साल किसान को मिलना चाहिए, बेटा बेटियों की पढ़ाई लिखाई, किताबें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी। और बहनों केवल लाडली बहना नहीं, इसके पहले बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया तो तुम्हारे बीरा ने भाई ने बनाया, बेटियों की शादी कराने का काम किया तो मैंने शुरू किया कब कांग्रेस की सरकार करती थी। जितने काम है कि गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, समय मेरे पास ज्यादा नहीं है। और इसलिए मैं निवेदन करने आया हूँ कि जिसने पहले कुछ नहीं किया उसको फिर से देखने की जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, आंखों देखी मक्खी मत खाना रे मेरे भैया हो, जिसको पहले देख लिया। अब देखो दोनों जगह अपनी सरकार डबल इंजन की, यहाँ अमर सिंह अपने विधायक है मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार से सौगातें लेके आएंगे, और दिल्ली में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे, रोड मल नागर आपके आशीर्वाद से आ जाएंगे और सौगातें लेके आएंगे। लेकिन रोड मल नागर अकेले नहीं है, प्रधानमंत्री तो खड़े ही है संग, ब्याज में मामा भी मिलेगा, चिंता मत करना। मैं भी तो दिल्ली जाऊंगा और वहां से दिल्ली से जो सौगातें हो सकती है रोडमल जी के साथ मिलके काम करूंगा और इस क्षेत्र के सौगातें लेके आऊंगा। आप सबसे मेरा निवेदन है मेरे बहनों और भाइयों, फिर से धोखा मत खाना, कमल के फूल की बटन दबाना, भारतीय जनता पार्टी को जिताना, रोडमल जी को अपना सांसद बनाना और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। बोलिए सब तैयार है? पीछे तक बताएं सब तैयार है? तो एक बार मेरे साथ संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोलेंगे और रोडमल नागर को भाजपा को जिताने का, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, बाबा रामदेव की और